वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पार्ट वन आपने देखा होगा, क्या पढ़ें कि अंग्रेजी आ जाए। ऐसा क्या चीज पढ़ाऊं मैं आपको कि आपको अंग्रेजी आ जाए और आप अंग्रेजी सीख जाओ, लिखना भी, बोलना भी, पढ़ना भी। ऐसा क्या करें हम लोग, तो उसी पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने पार्ट वन दिया होगा, आपने देखा होगा, अब आज बनाते हैं पार्ट टू। पार्ट टू की बात आपसे करें तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमने अल्फाबेट की बात करा था और बताया था कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छा काम किया। अब देखते हैं पार्ट टू। यहां से हम बात करें तो अंग्रेजी की शुरुआत में बात करूं आपसे तो लेटर्स हैं, राइट। लेटर से जो बड़ा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं वर्ड, राइट। लेटर से बड़ा वर्ड्स होता है, वर्ड कह सकते हैं, और वर्ड से बड़ा जो होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं, और क्लाउज से बड़ा जो होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं, और सेंटेंस से बड़ा होता है पैराग्राफ कहते हैं। अब एक एक पार्ट देखें कि आखिर ये लेटर क्या है, ये लेटर्स क्या होते हैं। तो हम आपसे बात करें, चूंकि अंग्रेजी की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, कि ऐसा क्या पढ़ाऊं कि आपको अंग्रेजी आ जाए, आप अभी सीख जाओ, और उसके लिए हम लोग को रिसर्च करना होगा बिल्कुल बेसिक से आपके स्तर पर जाके सिखाने के लिए, राइट। आप अंग्रेजी आती है, अच्छी बात है, नहीं आती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सीख जाओगे। अब हम बात करें लेटर्स की, सबसे शुरुआत यहां से करते हैं। तो लेटर्स की बात करें तो लेटर्स हमेशा आपको पता होगा कि भाई दो तरह के होता है। एक आप बोलते हो कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और एक बोलते हो कौन सा, स्मॉल लेटर, राइट। अब कैपिटल लेटर जो होता है और स्मॉल लेटर जो होता है, आपको जब राइटिंग करोगे तो आप इसका कहां पे यूज करोगे। तो लेटर देखने में तो छोटा सा वर्ड है भाई, कि एक लेटर है अल्टीमेटली यार। अब लेटर मतलब होता है अक्षर। अब अक्षर की बात करें, जैसे आप बोलते हो का खा गा, जैसे आपने बचपन से पढ़ा का के फॉर का, तो ये क्या, दिस ऑल द नॉट अल्फाबेट्स, दिस इज द लेटर, यानी लेटर बोलते हैं इसको। अब लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर, और अल्फाबेट का मतलब होता है उन अक्षरों के समूह, जैसे ए से लेकर के जेड तक, इसको हम अक्षर नहीं बोलेंगे, ए से लेकर के जेड तक जो पार्ट हो, ग्रुप जो हो गया, उसको हम अल्फाबेट बोलेंगे। उसमें से एक पार्ट उठा लिया वो हो गया लेटर, राइट। तो लेटर हमने बोला कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर अब क्या करोगे, तो जहां भी जो भी प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का यूज हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, चाहे सेंटेंस के बीच में हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो। जैसे मान लो, मैं दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं समझने के लिए। हमने मान लो एक सेंटेंस दिया कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, और एक लिखा हमने राम इज अ गुड बॉय। अब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला राइट है और नीचे वाला रॉन्ग है। क्यों सर, क्योंकि यहां पे राम कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, इसलिए सेंटेंस राइट हुआ, और नीचे वाला राम ये सेंटेंस गलत हुआ। क्यों सर, क्योंकि यहां पे गुड बॉय है, तो इसका स्पेलिंग स्मॉल लेटर से नहीं हो सकता, हमेशा किससे होगा, कैपिटल लेटर से। दो एग्जांपल आपको और दिखाता हूं, आप देखने का प्रयास करें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर कैसे यूज होता है। अब सेंटेंस दो देखिए, हम यहां पर हमने कहा कि आई सॉ अ राम इन द, देख रहे हो आप लोग, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, राइट। दूसरा लिखा आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट। अब आपने सोच लिया होगा, अब देखो आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट, आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट, बोलो विच वन इज राइट, क्या पहला सही है ये वाला, ना ना ना, ये तो गलत है बाबू, राइट तो ये वाला होगा। अब कहोगे सो ये कैसे हो गया, अभी आपने राम सही किया था, बट अब आप जरा सोचो कि ये तुम्हारा कैपिटल लेटर में है, यह राम व्यक्ति के बारे में कह रहा है। अब आप देखो कि आई सॉ, मैंने देखा एक व्यक्ति राम को जंगल में, भाई राम जंगल में देखा, तो पहला चीज अगर ये प्रॉपर नाउन नहीं होता, यहां पे देखो ए प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, एक गलत। दूसरा गलत, ये प्रॉपर नाउन इसलिए नहीं है कि देखा की बात कर रहा है, कहां देखा भाई, जंगल में, तो जंगल में राम नहीं होगा, जंगल में रैम होगा, इस रैम का मतलब कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन। इस रैम का मतलब होता है भेड़। क्या होता है बाबू? भेड़। तो हमने एक भेड़ देखा, कहां देखा बाबू? जंगल में। तो हमने जंगल में भेड़ देखा, क्योंकि जंगल में राम नाम का आदमी क्या करेगा भाई, जंगल में देखा, देखा किसको? रैम नाम के भेड़ को। यानी रैम का मतलब क्या होता है, ध्यान दो यहां पे। हमने यहां पे कहा आर ए एम, देखो बच्चे ध्यान दो आपको, यहां पे हमने आर ए एम कहा, तो रैम का दो हिंदी होता है, इसको राम मत पढ़ना। इस रैम का मतलब होता है मेल, मेल शिप, शिप का मतलब होता है भेड़। इस भेड़ को हम लोग रैम बोलते हैं। रैम नाउन होगा तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लिख लो, कॉपी कलम निकालो, लिखो, क्योंकि मैं आपको बेस सिखा रहा हूं कि आखिर कैपिटल लेटर का यूज करते कहां है। तो कैपिटल लेटर कहां यूज होता है? प्रॉपर नाउन में, सेंटेंस की शुरुआत में। अब हमने कहा रैम, अगर ये रैम भर बन जाए तो ये हो जाता है टक्कर मारना, टक्कर मारना, देख रहे हो आप। तो रैम का मतलब टक्कर मारना। तो आप इंग्लिश सीखोगे ना, तो रैम का मतलब टक्कर मारना, वर्ब रहेगा। तो रैम अगर नाउन बन जाएगा तो कौन सा बनेगा? कॉमन नाउन। फिर सुन लो, कॉमन नाउन और मेल शिप मतलब भेड़ा, इसका हिंदी हो जाएगा भेड़ा। यानी हमने एक भेड़ को देखा, कहां देखा? जंगल में। तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। और ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके साथ आर्टिकल ए भी लगा हुआ है और प्रॉपर नाउन हो ही नहीं सकता। ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कहोगे सर नहीं हम राम को ही देखे। भाई ऐसे इंग्लिश नहीं बनता कि आपने देख लिया राम को ही जंगल में। तुम्हें कैसे पता आई सॉ अ मैन हो सकता है? क्योंकि राम तुम्हें कैसे बता? हमने देखा, तो देखा किसको? आप राम नाम के व्यक्ति नहीं सकते, क्योंकि देखने की बात हो रही, मीट की बात नहीं हो रही है। तो आई सॉ अ मैन हो सकता था, आई सॉ अ बॉय हो सकता था, लेकिन आपने नाम लिया है, इसलिए नाम लिया है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मीट नहीं है, सॉ है। बात समझ में आपको आ गया रीजनिंग? इसलिए अंग्रेजी में कभी लॉजिकल होना, हमेशा रिजिड नहीं होना है, लॉजिकल होना है। तो आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट, इसलिए राइट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे लेटर की, तो हमने यहां पर बहुत ही बेसिक से काम किया कि कैपिटल लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेटर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में सेंटेंस की शुरुआत में कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या होता है इसके लिए? हमने आपको ट्रांसलेशन का बुक्स दूंगा, इस तरह के बुक्स आपको मिलेंगे, आप जहां पर व्हाट्सएप करना सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, या मार्केट से कोई किताब ले लेना जिसमें कैपिटल लेटर लिखे होंगे, वो आपको आसानी से मिल जाएगा, राइट। तो कभी बात करें, अब बात करें स्मॉल लेटर की, तो स्मॉल लेटर का काम क्या है सर? तो स्मॉल लेटर का काम क्या है वो ध्यान देना बच्चे, कि जैसे आप के पास कोई राइटिंग करते हो, तो राइटिंग करने में आपके पास चार लाइन के कोई ना कोई कॉपी होता है, तो आपको देखना पड़ता है कि भाई कैपिटल लेटर कहां लिखे जाते हैं। तो चार लाइन के कॉपी, अगर आपके हैंडराइटिंग खराब है, हैंडराइटिंग अच्छा करना चाहते हो, तो चार लाइन का कॉपी ले आना, उसमें जितने भी लेटर आपके कैपिटल हैं, तो कोशिश करना कि ऊपर के तीन लाइन में जितने पार्ट हैं, क्योंकि बड़े पार्ट होते हैं, जैसे मान लो ए लिखना हो तो बड़े पार्ट में ए, भी देख रहे हो, तो ऊपर के पार्ट में ही लिखे जाते हैं, जो भी पार्ट होते हैं आप कोशिश करना कि ऊपर के पार्ट में ही लिखें। तो जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं वो कोशिश करिए कि ऊपर ही लिखने का आप प्रयास करें, ऊपर के तीन लाइन में। तो हमने क्या कहा कि लेटर दो तरह के, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो जो कैपिटल लेटर होते हैं, जब चार लाइन वाली कॉपी होगी ना, तो ऊपर के तीन लाइन में आप कैपिटल लेटर का प्रयोग करना। उसके बाद अब आ गया स्मॉल लेटर, तो जो आपके स्मॉल लेटर्स हैं, तो स्मॉल लेटर्स को क्या करना, क्या स्मॉल लेटर्स जो आपके एफ होते हैं, एफ होते हैं उसमें से 26 में से एक एफ है ना, तो एफ को लिखना तुम चार लाइनों में। कहां लिखना? एफ को चार लाइनों में। ऐसे क्या होगा? अब वो सर मैं चार लाइन वाला नहीं लिखता, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास प्लेन कॉपी है ना, तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि भाई ऊपर नीचे कैसे, क्योंकि सीधी लाइन लिखना है आपको, तो पता होना चाहिए कि आपकी राइटिंग ऊपर जा रही नीचे जा रही। जैसे मान लो किसी को एप्पल लिखना है, तो ध्यान देना भाई कैसे जा रहा है, ऊपर जा नीचे जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इससे आइडिया होना चाहिए। जैसे हमने कहा एफ, एफ का लिखना है चार लाइनों में। अब बी डी एच के एल टी, ऊपर के तीन लाइनों में, देख रहे हो बी डी एच के एल टी ऊपर के तीनों में। बाकी देखो जी पी वाई ए, जी पी वाई क्यू, जी पी वाई क्यू कहां जा रहा है, नीचे के तीन लाइनों में। तो ये चार चार लेटर का ध्यान रखना है कि भाई बी ऊपर ले जाना है, मान लो बी लिखना है तो देख रहे हो बी ओ वाई ऊपर जाएगा। मान लो डी एच करना है, ऊपर जाएगा डी एच जा रहा है ऊपर, देख लो डी एच ए, देख रहे हो तो ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के तीन लाइनों में जाएगा। तो आप भले आपका कॉपी प्लेन हो, लेकिन ध्यान रखें कि आपको कहां लिखना है। इसके अलावे जितने भी लेटर्स हैं वो सिर्फ बीच बाय लाइन लिखना है। अब हमने क्या कहा आपसे, क्या स्मॉल लेटर्स जो होते हैं, हमने कहा कि एफ चार लाइनों में,
कैपिटल लेटर ऊपर के तीन लाइनों में, बाकी जितने जो बच गए ये सब क्या है, ए है, सी है, ई आई एम एन ओ आर एस यू डब्ल्यू एक्स जेड, तो जितने बच गए बीच के आपके लाइनों में लिखना है। तो जो बीच के लाइन होते हैं इसी में आपको लिखना है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किसी भी लेटर को कैसे लिखते हैं। और कोशिश करना कि जब आपके पास मान लो प्लेन है, ये प्लेन सीट आपके पास दिया गया हो, आपको अगर मान लो कुछ लिखना हो, तो मान लो आपको मान लो डी लिखना हो, तो डी एच ए आर एम ई एन डी आर ए, अब देख रहे हो आप तो कैसे काम कर रहा है। तो ऊपर के तीन लाइन डी एच बताया था आपको, बाकी देखो ए आर एम ई एन है कि नहीं, देख लो आप ए आर एम ई एन है कि नहीं, सब कहां है, बीच के लाइन में है कि नहीं, आर ए है कि नहीं। तो आपको देखना यह है कि किसी भी लेटर को आप कब बीच में, तो इससे आपका राइटिंग सुंदर बनेगा, आप कर्सिव लिख पाओगे, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, आप ऐसे सीखोगे। तो लेटर देखने में छोटा सा है, इसका यूज बहुत सारा है, और इसका यूज और आप देखें, आप जानने का प्रयास करें, तब आपको हम बात आगे करेंगे, राइट। अब यहां पर मैं देखा तो लेटर के लिए हमने कहा कि कैपिटल और स्मॉल होता है। अब हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, एक एक पार्ट को सीखो तब मजा आएगा। हमने कहा लेटर की बात कहा, अब मान लो आपने बचपन से पढ़ा है कि भाई क है, ख है, ग है, घा है ना, तो आपने पढ़ा होगा के से का, के एच से खा, जी से गा और जी एच से घा, पढ़ा आपने, आपने पढ़ा होगा च, आपने पढ़ा होगा छ, आपने पढ़ा होगा ज, आपने पढ़ा होगा झ, आपने पढ़ा सी एच से च, सी एच एच से छ, जे से ज और जे एच से झ, यही ना पढ़ा होगा आपने, कभी कभी जे के स्थान पर जेड भी हो जाता होगा। अब यहाँ पे जानना ही है, क्या के लिए सी भी आता होगा, के भी आता होगा, ये तो अलग से बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। अब यहाँ पे जानने की जरूरत यह है कि भाई क्या वाकई कैसे का होता है, बोलो बचपन से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कैसे का, कैसे खा, जी से खा, अच्छी बात है। अब यहां पे बोलो आपने पढ़ा पी से पा, एम से मा, पढ़ा है ना, अच्छी बात है। अब देखो मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, हमने यहां पे का, आपने कहा सर कैसे का, हमने बोला मा, हमने बोल दिया एम से मा, बोलो बदलना मत, एल से ला, अब बोलो ए, बोल दिया एल से ला, बोलो हमने गलत लिखा क्या, जल्दी बोलो फटाफट, के से का बोला ना, एम से मा बोला ना, एल से ला बोला ना, बोलो गलत लिखा क्या, नहीं ना, सही लिखा, अच्छी बात है। अब इसको हमने कर दिया भाई, इसको आपने लिख लिया ना, अब मेरे पास जगह नहीं है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूं, सिखा सकूं। और इसके लिए मान लो वो का की चाहिए ना, तो ये वाला किताब मंगा लेना आप कॉल करके, आपको आपको यहां से भिजवा दूंगा। अब देखो हमने कहा कमल, कमल हमने लिखा कमल, कमल बोलो कमल हुआ कि नहीं, अच्छी बात है। के एम एल बोलो कमल हुआ कि नहीं, नहीं हुआ ना सर, ए तो नहीं होगा भाई, एक बात बता, जब के से का होता है, एम से मा होता है, एल से ला होता है, तो अगर ये कमल है तो फिर ये कमल क्यों नहीं है, क्या क्वेश्चन गलत है। अगर आपसे छोटा बच्चा, आपका छोटा बेटा, आपका छोटा भाई, छोटा भतीजा पूछ दिया कि अंकल मुझे बताओ के से का होता है कि नहीं, आप बोलोगे ऑफ कोर्स, एम से मा होता है कि नहीं, ऑफ कोर्स, एल से ला होता है कि नहीं, ऑफ कोर्स, तो भाई अगर ये कमल है तो फिर ये कमल क्यों नहीं है, प्रश्न उठ गया ना यहां पे। अब प्रश्न का जवाब क्या होगा, उसका जवाब दीजिए। अब सुनो बच्चे, आपने जो बचपन से पढ़ा कि के से का, एम से मा, गलत पढ़ा, क्यों पढ़ा भाई, तो के का अंग्रेजी के नहीं, के का मतलब ऐसे उल्टा पढ़ो, क्योंकि के का हिंदी आधा का होता है, एम का आप बोलते हो एम, एम का हिंदी आधा म होता है, और एल आपने पढ़ा तो एल का हिंदी आधा ल होता है। अब जब आधा हो गया, तो आधा हो गया तो इसको पूरा करने के लिए कुछ चाहिए ना, उसी को पूरा करने के लिए वॉवेल्स की आवश्यकता होती है, राइट। तो वॉवेल्स से होती है। अब प्रश्न उठता है कैसे, वो समझिए। अब बताओ, थोड़ा सा समझाता हूं आपको, वापस आऊंगा। बोलो अंग्रेजी में कितने होते हैं लेटर्स, 26। अब बताओ बाबू हिंदी में कितने होते हैं लेटर्स, जवाब दो कितने होते हैं हिंदी में, आपको नहीं पता, 52 होते हैं, कितने होते हैं 52, जानकारी ले लो, जिसमें चार काम के नहीं होते, 48 काम के होते हैं, राइट। अब बताओ 26 होते हैं लेटर्स, यहां 52 होते हैं, जस्ट हाफ है कि नहीं, बताओ। ये हुआ इंग्लिश की बात, ये हुआ हिंदी की बात, राइट। तो हिंदी में 52, अंग्रेजी में 26, जस्ट हाफ है कि नहीं, तो जस्ट हाफ है, तो बोलो यहां तुमने के किया, यहां तुमने क्या किया, तो बोलो इसका आधा, इसका आधा ही तो होगा ना ये, तो यहां पे पूरा करने के लिए क्या करोगे, के ए,
एमएल, हमें लिखा क्या, सो सुनो, हमें लिखा कमला, तो कमल लिखा। तो जब भी किसी लेटर को जोड़ते हैं दो से अधिक हो तो क्या करते हैं, के ए एम ए एल, किसी भी दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए हम लोग वोवेल का प्रयोग करते हैं, चाहे वोवेल ए हो, चाहे वोवेल यू हो, चाहे वोवेल ई हो, किसी को भी हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तब वो लेटर कंप्लीट बनता है, तब हम लिख पाते हैं। चूंकि जस्ट हाफ है तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग आर्टिकल का, सॉरी वोवेल का प्रयोग करते हैं, ए या ए हो, आई हो, यू हो का प्रयोग करते हैं। तो दो से अधिक लेटर हो तो अक्सर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें लिखना हो धर्मेंद्र, आपने मेरा नाम लिखा, मैं आपका धर्मेंद्र सर हूं, धर्मेंद्र लिखना है। अब देखो धा का अंग्रेजी पता है कि डीएच होता है, आप जानते हो। अब दो अक्षर को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, डीएच। अब जब भी रा आता है, ध्यान देना, जब भी दा मेरा लगा हो तो डी आर ए इसका अंग्रेजी होता है, तो डी एच ए आर। अब मैं के लिए एम ई लगाया, भोले लगा लगा, एम ई एन डी आर ए, धर्मेंद्र। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को, आप किसी भी वर्ड के लेटर को आप जोड़ सकते हो। जैसे मान लो हमने बहुत सारे लेटर दिए आपको, समझना बच्चे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। हमने कहा कि लिखो रमन, रमन, रमन। अब देखो रमन क्या होता है, आर, एम का एम, एन का हो गया रमन हो गया, लेकिन बीच में क्या लगा देंगे हम लोग, ए। अब वो बन गया है रमन। तो जब भी दो से अधिक लेटर लिखना हो तो अक्सर हम क्या प्रयोग करते हैं, ए का। आपको लिखना, ध्यान देना, आपको लिखना है जापान, या लिखना हो जापन, जापन। अब जापन पर हो चाहे जापान पर हो, आपका अंग्रेजी होगा जे ए पी ए एन। जब भी दो से अधिक लेटर को जोड़ेंगे बीच में हमको ए लगाना ही पड़ेगा, चाहे जापान पर हो, चाहे जापान पर हो, आप जो पर हो, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि आपको बीच में ए लगाना पड़ेगा, वोवेल्स ए हो, यू हो, ई हो, चाहे जो। अब हो सर यहाँ पे यू क्यों लगा, तो जब भी किसी दो लेटर को जोड़ो, जैसे हमने बोला बट, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बी यू टी। हमने जोड़ा कट, तो क्या हो जाएगा, सी यू टी। तो किसी भी दो लेटर को जोड़ने के लिए अक्सर यू का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक लेटर हो जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। यह बात आपके समझ में आया कि नहीं आया, सो मुझे बताइए। कहने का सेंस है कि मैं आपको एक बेस से दे रहा हूं, अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा मैं क्या करूं आपके लिए कि आपको अंग्रेजी आ जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके अंडर बेस को पैदा करने का। पार्ट वन, पार्ट टू बनाया, फिर मैं इसका पार्ट थ्री बनाऊंगा। अब यहां पे आपने सीखा लेटर को कैसे यूज करते हैं, कैसे जानते हैं, हम इसके बाद आगे देखेंगे। एक एक पार्ट बेसिक से पढ़ो, धीरे धीरे सीखिए और धीरे धीरे सीख करके फिर आगे बढ़िए, तब आपका कॉन्सेप्ट जल्द होगा। अब यहां पर सेकेंड पॉइंट जाने का प्रयास करते हैं कि भाई आपके दिमाग में क्या आएगा कि ऐसा कोई बताइए, क्या कोई ऐसा है शब्द, क्या कोई ऐसा शब्द है जो एक लेटर का हो सकता है, क्या एक लेटर का शब्द हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक लेटर का शब्द, एक लेटर का वर्ड हो सकता है, कैसे सर, अब बोलिए ए, ए एक लेटर है कि नहीं, बोलोगे हां सर एक लेटर है, तो ए का हिंदी एक होता है, वर्ड हुआ कि नहीं। अब बोलते हो आई, आई एक लेटर है कि नहीं, है ना, आई का हिंदी होता है, मैं बोलो वर्ड हुआ कि नहीं। अगर कोई लेटर मीनिंगफुल होता है तो वर्ड भी हो सकता है, राइट। तो एक लेटर का वर्ड हो सकता है, अगला क्लास मेरा किस पे होगा, वर्ड पे होगा, कि लेटर और वर्ड में क्या अंतर है, वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड की बात मैं अगले क्लास में करूंगा। यहां तक हमने बात करा लेटर का, आपने सीखा जोड़ने के लिए, अगर मैं सिखाऊंगा स्पेलिंग इंप्रूव करने के लिए, तब हम लोग आगे बात करेंगे। इस वीडियो को पूरे देश में फैलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ऐसा क्या करें कि अंग्रेजी आ जाए। थैंक यू वेरी मच।